तो गाइज ये मिनस्ट्रीन के अंदर ये जो तीन घर होते हैं ना भाई टू स्टोरी के, ये घर सबसे पॉपुलर घर है और यहाँ पे सबसे ज्यादा लूट मिलती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ये एक घर में हो और आपके जस्ट बाजू वाले घर में ही कोई आपके एनिमीज हो। ठीक है, तो उन्हें कैसे क्लच कर सकते हो आप, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके पिछवाड़े में आ जाना इस तरीके से, और आपको जंप मारना है और दरवाजा खुला रखना और दरवाजे के ऊपर वापस जंप। आपको तो पता होगा इन एंगल में आपने बहुत बार देख चुका है, सेम यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे आगे से नहीं होगा क्योंकि ये जाली आती है आगे। ठीक है, आपको पीछे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे से आपको सेफ्टी भी मिलेगी क्योंकि आपके पीछे तो और कोई मिलेगा नहीं, आपको पूरा का पूरा मैदान है तो वहां पे कोई होगा नहीं। सामने से आप वैसे भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे एनिमीज है। ठीक है, और जैसे आपके बाजू वाले घर में कोई भी हो तो आपको ऊपर से पूरा का पूरा एंगल मिलता है जैसा आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको हाइट एडवांटेज भी मिलता है, प्लस आप टीपीपी ले सकते हो, यहाँ पे कवर भी है आपको। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा कवर है, अगर आप प्रोन हो जाते तो आपको कोई मार नहीं सकता भाई। ठीक है, और बात रही कि आपको बाजू वाले घर के टेरेस पे जाना है तो वो बिल्कुल आसानी से आप जा सकते हो क्योंकि ये कनेक्टेड है, आप लेग्स ग्रैब के थ्रू भी जा सकते हो, ऑटोमेटिकली आप जंप करके तो भी आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे पहुंच सकते हो और किसी को भी मार सकते हो हाइट एडवांटेज लेके, और आपको तीन घर कनेक्टेड मिल चुके, प्लस यहाँ पे एक और घर आप कनेक्ट हो सकते हो आपके यहाँ से, अगर ये वाले घर के ऊपर आप हो तो यहाँ से सीधा मैं इसके घर पे भी जा सकता हूँ, अगर सीधा फर्स्ट फ्लोर पे अटैक करना है तो। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो भाई आपको सीढ़ियों को भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप सरप्राइज कर सकते हो आपके एनिमीज को यहाँ पे आके। ऑलराइट गाइस, तो ये जो टाइप के घर होते हैं ना भाई मैनोर हाउस, ये आपको हर जगह दिखेंगे, इरेंगल में भी दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे बेहतरीन टिप बताने जा रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स समझ जाओ भाई, कि सपोज आप यहाँ पे हो और आप पे कोई पुश मारता है दो तीन जन, तभी आप जा सकते हो यहाँ पे टीपीपी लोगे, यहाँ ये अंदर के घर में आ जाओगे। ठीक है, इनर हाउस में आ जाओगे, लेकिन इससे सबसे बाप वाली ट्रिक मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पुश मारे ना आप पे तभी आपको नीचे नहीं उतरना, आपको सीधा उतर के यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाना दीवार से। ठीक है, और अभी उन लोग यूजुअली क्या करेंगे, घर के नीचे ढूंढेंगे, घर के आसपास में ढूंढेंगे, लेकिन कोई दीवार में ऐसा चिपका हुआ बंदा नहीं ढूंढेगा भाई। जैसे आपको लगे ना सही टाइम है वो उनका आपको पीठ दिख गया, सीधा अंदर आओ और सीधा उन्हें मार दो भाई। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तभी आप यूज करना जब आप अकेले हो तब। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप अंदर मत घुसो, बाहर रह के भी आप उन्हें मार सकते हो इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हो भाई साइड में आने का, थोड़ा मार देने का, वापस साइड में कवर में आ जाने का, उन लोग सोचते रह जाएंगे बंदा है कहाँ पे भाई। तो गाइस जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप मुझे इंस्टाग्राम में कोई भी मीम्स में टैग करो और मैं आपको शाउट आउट दूंगा अपने अगले वीडियो में, तो जैसा आप देख सकते हो भाई एक बंदे ने मुझे एक अच्छे वाले मीम में भाई टैग किया, और ये वाला मीम देख के ना भाई मैं पागल हो गया भाई हंस हंस के। जैसा आप देख सकते हो भाई, व्हेन यू आर द ओनली प्रो प्लेयर इन योर स्क्वाड, भाई जो समझ सकते हैं ना भाई सीधा मुझे कमेंट कर दो, जिसको समझ में आ गया ये चीज। और जिस बंदे ने मुझे ये मीम पे टैग किया उसको शाउट आउट है भाई हार्दिक अग्रवाल। इस बंदे की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो गाइस जल्दी से आप उसे फॉलो कर लो और हर एक जन को शाउट आउट मिलेगा। आपको खाली एक ही चीज करनी है, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करो, और आपको कोई भी मीम्स दिखते ना सीधा मुझे टैग कर दो मीम्स में भाई, बहुत मजा मस्ती करेंगे भाई। मैं हर एक मीम्स देखता हूँ लिटरली भाई, मुझे मजा आता है मीम्स का और मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ भाई मीम्स देखने का। तो जल्दी से जाओ और फटाफट टैग करते रहो मुझे हर एक मीम्स में। ऑलराइट गाइस, तो ये जो टाइप के घर होते हैं यहाँ पे, ये वाले घर में बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आती है ऊपर चढ़ने में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल एकदम, यहाँ पे दरवाजा खुला रखना है, एक जंप मारना है, थोड़ा सा पीछे आना है बस, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे फिर एक और जंप का बटन, दो बार जंप का बटन दबाओगे सीधा ऊपर आ जाओगे, एकदम आसान है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप रह के भाई आपको हाइट एडवांटेज मिलता है, प्लस ये जो सामने अपार्टमेंट जैसा घर दिख रहा है वहां पे भी आप हमला मोड़ सकते हो, यहाँ से आपको पूरा एंगल मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी। ठीक है, तो आप किसी को भी मार सकते हो, प्लस ऊपर से पूरा रास्ता भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन एक ही चीज का मतलब प्रॉब्लम है, आपको दो जगह से ही कवर मिल रहा है आगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से, आगे और पीछे से कवर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलराइट गाइस, तो ये जो गेमर्स कैफे है यहाँ पे आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। गैस करके एक एरिया है, यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो बस दिख रही है ना, बस के यहाँ पे आ जाना है एग्जैक्टली, यहाँ पे एकदम सिंपल है, बस के यहाँ पे आके आपको दो बार टैप दबाओगे तो सीधा ऊपर चढ़ जाओगे इस तरीके से। ठीक है, फिर लेज ग्रैब कर लेगा आपका प्लेयर, लेज ग्रैब करने के बाद यहाँ से जंप मारना तो आप यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आके जंप मारना है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कवर मिलता है, प्लस आपको एक फायदा है कि आपके पीछे से कोई नहीं मारेगा क्योंकि आपके पीछे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आगे आपको ध्यान रखना है, आगे इतना अच्छा कवर है, प्लस टीपीपी भी ले सकते हो आप क्राउच करके, और साथ ही साथ में अगर आपको यहाँ पे आना तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो लेज ग्रैब करके पेट्रोल पंप के ऊपर, और यहाँ पे एक और कवर है आप जैसा देख सकते हो भाई, अगर इनके जोन यहाँ पे बनता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन ये ओपन एरिया नहीं है, यहाँ से जंप मार के आपको यहाँ पे आना है, ये भाई बाप एरिया है, यहाँ पे आपको कवर भी मिलता है। ठीक है, टीपीपी सब मिलता है आपको।
तो यहाँ पे रह के आप आपकी पूरी स्क्वाड रह सकती है भाई, आप कोई ऊपर से मारेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं भाई, इससे ऊपर कोई एरिया है ही नहीं यहाँ पे आसपास में। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये पता है वाटरफॉल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आके एग्जैक्टली ये ब्रिज के सामने जो वाटरफॉल हो रहा है ना, यहाँ पे आके आप अगर आप अंडर वाटर स्विमिंग करके अगर ये वाटरफॉल के अंदर आप जाओगे ना भाई, तो आप चौंक ही जाओगे कि अंदर क्या है। गाइस आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना और जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपको अच्छी खासी लूट मिलेगी, प्लस सुपर क्रेट, जो सुपर क्रेट मिलती है यहाँ पे भी सुपर क्रेट आपको मिलेगी। रुके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो भाई आसानी से आपके दो मेंबर तो यहाँ पे लूट कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी लूट रहती है भाई। ये सेकंड नंबर ने सारी की सारी लूट ले ली भाई, तो मैं आपको रुको दिखाता हूँ, उसने उसको है ना भाई ये सुपर क्रेड, यहाँ पे एक और सुपर क्रेड आपको मिलेगी, सुपर क्रेड में से उसको भाई लेवल 3 का वेस्ट मिला है, ठीक है, तो मतलब आपको बहुत काम आएगा, यहाँ पे सुपर क्रेड भी मिलती है, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ सकते हो अगर आपको ये पता ना हो अब तक तो। लिविक्स क्रेड करके इसका नाम है, ठीक है, तो गाइस आपको ये हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में आना है, यहाँ पे आपको सुपर क्रेड तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ में यहाँ पे एक और फीचर है जो शायद ही आप लोगों में से कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मोली कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी हेल्थ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ये टब में आ जाना है इस तरीके से और यहाँ पे आसानी से सिर्फ बैठना है, ठीक है, जैसे आप बैठोगे ना आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रही है, आपकी बूस्ट इंक्रीज हो जा रही है, साथ ही साथ में आपकी जो हेल्थ है वो इंक्रीज होगी जैसे ही आप यहाँ पे बैठे रहोगे। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, जैसे आप देख सकते हो भाई मेरी हेल्थ पूरी की पूरी हील हो चुकी है और अभी यहाँ पे आप चाहो तो बैठ सकते हो, गन लेके भी बैठ सकते हो, अगर इनकेस कोई एनिमी यहाँ पे आ जाए तो आप उन्हें भी मार सकते हो। जैसा आप देख सकते हो भाई ये हॉट स्प्रिंग आपको तब काम आ सकती है जब आपके पास कोई भी हेल्थ ना हो तब, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये जो घर होते हैं यहाँ पे आपको पुश करना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप बिना सीढ़ियों के भी जा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आपके कोई भी ऐसा घर होना वहाँ पे आसपास में ब्रोकन वॉल तो रहेगा ही, तो उसका यूज करके आप डायरेक्टली लेफ्ट स्टेप करके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जाओ या तो आप यहाँ से जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद भाई रुको भाई ये पूरे फर्स्ट प्लेयर ने पूरा का पूरा एंगल खराब कर दिया। फिर यहाँ पे आके आप यहाँ पे खिड़की से भी मार सकते हो किसी को, अगर खिड़की से नहीं मारना डायरेक्ट पुश करना तो आप डायरेक्टली दरवाजे भी पुश कर सकते हो, क्योंकि गाइस उन लोगों को समझने में देरी हो जाएगी एक या मिनी एक सेकेंड्स की कि भाई बंदा यहाँ से कैसे आए, उतना भी आप मार दोगे, ठीक है। फिर बात रही कि ये वाली ट्रिक हो गई यहाँ से, अब मैं बताता हूँ यहाँ से आप कैसे जाओगे। यहाँ पे भाई क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है, इसके ऊपर आप चल सकते हो, तो यहाँ से आगे आने जाना आया जाना है, प्लस आपको अंदर नहीं जाना है, यहाँ बाहर रह के भी आप उन्हें फायर कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो भाई मैं फायरिंग आसानी से किसी को भी कर सकता हूँ और भाई उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोई बंदा खिड़की से मार रहा है उन लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये जो फर्स्ट नंबर है ना, एक तो रैंडम प्लेयर था, उतने में क्या हुआ कि भाई वो मुझे पहचान गया, उसको मेरा नाम पता था सेफ ट्री कि भाई मेरी चैनल है बूस्टर माइंस की, तो तब से टाइप कर रहा था भाई वहाँ पे लेटे लेटे कि भाई तू सेफ ट्री है ना भाई बूस्टर माइंस चैनल, राइट, तो मैं बोला हाँ भाई मैं वही हूँ भाई, तो भाई मुझे पता नहीं था कि भाई बंदे को पता होगा मेरी चैनल, और उसको जब टाइप कर रहा था तभी मैं भाई ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, जैसा आप देख सकते हो उसने लिखा बूस्टर माइंस क्वेश्चन मार्क, मैंने बोला या भाई, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई एक वीडियो बनाने के लिए मुझे मदद चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक और पार्टनर की ज़रूरत है, ठीक है, तो तू आ सकता है क्या भाई। तो वैसे ही मेरे जो आपको पता है चरवा और उन लोग भाई जितने भी मेरे घर पे थे भाई सब सो रहे थे, रात 3 बजे थे और सब लोग भाई सो गए, तो मुझे एक प्लेयर की कमी थी भाई, तो मैंने बोला भाई ये जो मिल रहा है इस पर बता देता हूँ भाई, क्योंकि कोई मेरे भाई पूरे आईडी में कोई बंदा था नहीं भाई, बोला भाई इसको पटा लेता हूँ भाई, ये काम करने के लिए हो जाएगा भाई, इसको फटाफट मैंने रिक्वेस्ट भेज दी भाई और इसको अगले मैच में मैंने ले लिया भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई अगले मैच में, देखो भाई यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप यहाँ पे एक्वाडेट के यहाँ पे आते हो, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना भाई एक्वाडेट के यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये वाले एरिया में आ जाना है, यहाँ पे आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे ना यहाँ पे इस तरीके से, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गाइस आपके जो दूसरा पार्टनर है उसको यहाँ पे बैठ के बोलना है कि प्रोन करके आप गोल गोल घूमे जाए, ठीक है, वो जैसे ही गोल गोल घूमेगा ना भाई तो क्या होगा पता है भाई, या तो आप इसके अंदर चले जाओगे या तो भाई आप सीधा टेलीपोर्ट हो जाओगे ऊपर, ठीक है, ऊपर देखो भाई ये जो चीज हो रही है ना भाई सीधा टेलीपोर्ट हो गए ऊपर भाई, आप देख रहे हो भाई ये सबसे बड़ा ग्लिच है अभी तक का यहाँ पे लिविंग में, तो आप अपने दोस्तों के साथ फन करने के लिए इसे यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें रिस्क है भाई, आपका प्लेयर अंदर फंस भी सकता है, ठीक है, तो भाई आप रैंक पुशिंग कर रहे हो तभी ऐसे सब चीजें मत करना वरना फिर पॉइंट चले जाएंगे, अभी बता रहा हूँ।